हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट, गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो 2019 में MBBS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये जो मैं आर्टिकल आपके लिए दिखा रहा हूँ कि 4,500 से ज़्यादा MBBS की सीटें इंडिया में इनक्रीज़ की गई हैं, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा livehindustan.com की वेबसाइट पर। आप वहाँ जाकर इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और मैं इस न्यूज़ को बताने से पहले आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर जो 4,500 सीटें जो बढ़ाई गई हैं वो केवल और केवल आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बढ़ाई गई हैं, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में मिलाकर ये 4,500 जो सीटें हैं वो आपकी बढ़ाई गई हैं। तो बिल्कुल भी मिसगाइड मत होइएगा इस न्यूज़ को देखकर। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो सीटें बढ़ाई गई हैं वो आपकी कहाँ और कैसे बढ़ाई गई हैं इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 37 कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनको मंजूरी दी गई है। साथ ही जो आपके पुराने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी सीटों में इजाफा किया गया है। पहले जो आपके मेडिकल कॉलेज थे टोटल इंडिया में वो थे 496 और अब बढ़कर ये 529 हो गए हैं। तो सीटें भी इस हिसाब से यहाँ पर बढ़ाई गई हैं, ठीक है। साथ ही पुराने कॉलेज तो मैं आपको बता ही दिया, उसमें भी सीटों में इजाफा किया गया है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हुए, उनमें टीचरों की संख्या बढ़ाते हुए सीटों में जो पुराने कॉलेज हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से, उनमें भी सीटें यहाँ पर बढ़ाई गई हैं। साथ ही एक बात और मैं आपके लिए यहाँ पर बता दूँ कि कुछ दिन पहले ही मैंने अब एक कम्युनिटी टैब में आर्टिकल जो था अमर उजाला का, वो मैंने अपना पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि यूपी में जो आपका अयोध्या है, बहराइच है, इनके साथ आपके 6 मेडिकल कॉलेजों को ऑलरेडी अनुमति जो है वो मिल गई है। तो ये सीटें जो हैं वाकई में यहाँ पर बढ़ाई जा रही हैं। साथ ही एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले एक वीडियो और मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको अपग्रेड करके आपके मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर तब्दील किया जा रहा है। तो इस तरीके से टोटल जो सीटें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी, साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर जो है सीटों में इजाफा उनकी भी किया जा रहा है। तो ये एक गुड न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस बार नीट 2019 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि सीटें जल्द ही बढ़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।